नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कक्षा चौथी और पांचवी के छात्रों को क्षेत्रफल और परिमाप के सिद्धांत से परिचित करा सकते हैं। हम NCERT द्वारा निर्धारित विषयों के बारे में जानते हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। कक्षा तीसरी के अंत तक छात्रों को नियमित और अनियमित आकारों के बीच का अंतर पता होना चाहिए, साथ ही उन्हें पहचान भी पाएंगे। चौथी कक्षा में बच्चों को यह पढ़ाना होगा कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, उन्हें मापने की इकाइयां क्या हैं, उन्हें कैसे मापें। ये सब कक्षा चौथी से पढ़ाया जाता है। आइए देखते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बातें हैं, सबसे पहले हमें उन्हें अंतर बताना होगा क्षेत्रफल और परिमाप के बीच का, उनका अर्थ और उनके बीच का अंतर क्या है। परिमाप, जैसा कि हम जानते हैं, किसी आकार की भुजाओं का योगफल होता है या उस रेखा की लंबाई जिससे वह आकार बनता है। उस आकार से घिरे हुए क्षेत्र को उस आकार का क्षेत्रफल कहते हैं। शिक्षकों के लिए दूसरी बात यह है कि क्षेत्रफल और परिमाप मापने की इकाइयां क्या हैं और हम उन्हें कैसे मापते हैं। बच्चों को इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। बच्चों को आकारों को पहचानना और उन्हें तरह तरह के आकारों को अलग करना आना चाहिए। बच्चों को पहले से ही इसके बारे में पता होना चाहिए। और लंबाई कैसे मापें? बच्चों को पहले से ही पता होना चाहिए कि लंबाई कैसे मापनी है। यही एकमात्र शर्त है क्षेत्रफल और परिमाप को मापने के लिए, और तभी सीखना आसान हो जाता है। यही सब इस वीडियो में हमने देखा। कक्षा चौथी और पांचवी के लिए परिमाप और क्षेत्रफल को पढ़ाते समय हम गणित किट से कुछ वस्तुओं का उपयोग करेंगे। आइए हम उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जियो बोर्ड और रबर बैंड। रबर बैंड का उपयोग करके हम बोर्ड पर तरह तरह के आकार बना सकते हैं और सिद्धांतों को सिखा सकते हैं। और बेस 10 के पीले रंग के घन, नीली छड़ें और हरी प्लेट, हम क्षेत्रफल के सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। पहले हम देखते हैं जियो बोर्ड का उपयोग करते हुए हम उन्हें परिमाप का सिद्धांत कैसे सिखा सकते हैं। हमें बच्चों को जियो बोर्ड और रबर बैंड का उपयोग करके अलग अलग आकार बनाने के लिए कहना चाहिए। आइए देखते हैं हम कौन कौन से आकार बना सकते हैं। अब इस तरह कुछ आकार बनाएं और उनसे पूछें कि यह क्या है, क्या वे इसकी पहचान कर पाएंगे। यह आकार क्या है? यह एक आयत है। अब हम एक और आकार बनाते हैं। और पूछते हैं कि यह कौन सा आकार है, क्या बच्चा इसकी पहचान कर पाएगा। हमें इसे देखना होगा। यदि बच्चा इसे एक वर्ग के रूप में पहचानता है तो वह आकार जानता है, बच्चा आकार को समझ गया है। अब हम उन पेनों की संख्या गिनते हैं जहां हमने रबर बैंड लगाया है। अगर हम कहें कि यहां तक की दूरी एक इकाई है तो कुल मिलाकर कितनी इकाई है। मैं यहां से गिनती शुरू करता हूं। एक, दो, तीन इकाइयां, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह। तो हमें क्या पता चला? इस आकार को बनाने के लिए हमें 12 इकाइयों जितनी लंबाई की जरूरत है। तो हमने रबर बैंड को 12 इकाइयों में लगाया है। आइए हम एक और आकार लेते हैं और देखते हैं। यह कौन सा आकार है? यह एक आयत है ना? इस आयत को बनाने के लिए
कितनी पिन का उपयोग किया गया है। मैं यहां से गिनना शुरू करता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां भी हमें 12 इकाइयां मिली। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले के आकार वर्ग में मैंने इस पिन से गिनती शुरू की थी, जबकि आयात के लिए मैंने यहां से शुरुआत की। बच्चे किसी भी पिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना होगा कि उन्होंने कहां से शुरुआत की। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि वे शुरुआती बिंदु पर एक उंगली रखें और दूसरे हाथ से गिनती करते रहें। यह गिनती को न भूलने की एक तरकीब है। अब हम दूसरे आकार को देखते हैं और गिनते हैं। यह आकार क्या है? यह एक आयत है। अब कितने पिन रबर बैंड को छू रहे हैं? मैं यहां से शुरू करता हूं। 1 इकाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने पिन रबर बैंड को छू रहे हैं? 10 पिन रबर बैंड को छू रहे हैं। हमारे पास 10 इकाइयां हैं। हमारे पहले आकार वर्ग में हमारे पास कितनी इकाइयां थी? हमारे पास 12 इकाइयां थी। यहां हमारे पास 10 यानी कि 10 इकाइयां हैं। आइए अब हम दूसरे आकार को देखते हैं। यह आकार क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, यह एक नियमित आकार नहीं है बल्कि अनियमित है। आइए देखें कि रबर बैंड को कितने पिन छू रहे हैं। मैं यहां से शुरू करूंगा। रबर बैंड के साथ 12 पिन हैं। यहां पर भी 12 पिन ही है। आइए अब एक बड़े आकार को देखें। इस आकार में कितनी पिन रबर बैंड को छू रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमें कितनी इकाइयां मिली? हमें 16 इकाइयां मिली। तो इस आकार को बनाने के लिए हमारे पास 16 पिन हैं, जो रबर बैंड को छू रही हैं। अब हमें जियो बोर्ड बच्चों को देना चाहिए और उन्हें आकार बनाने के लिए कहना चाहिए और उन्हें गिनने के लिए कहें कि कितने पिनों का उपयोग किया गया है, और वे अलग अलग आकार बनाएंगे और फिर वे उन्हें बनाने के लिए आवश्यक इकाइयों की गिनती करेंगे। यह एक अनियमित आकार भी है। हमारे पास यहां कितनी हैं? अगर मैं यहां से गिनती शुरू करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हमें माप के लिए अलग अलग इकाइयां मिलेंगी। इसे हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि इस आकार के चारों ओर एक रेखा है, इसलिए हम इसे परिमाप कहते हैं। क्या हम इसे कह सकते हैं आकार के चारों ओर की रेखा? इस तरीके से हम परिमाप से परिचय करा सकते हैं। हमने इन सभी आकारों की माप की इकाई सीखी। हमें इसे जानने की जरूरत क्यों है? यहां हर एक पिन के बीच की दूरी समान है। चूंकि ये समान दूरी पर हैं, इसलिए हम इसे माप की एक इकाई मान सकते हैं। इस प्रकार हम बच्चों को अलग अलग आकारों के परिमाप के सिद्धांतों से परिचित करा सकते हैं। अब हम यह जान चुके हैं कि तरह तरह के आकारों के परिमाप को हम कैसे माप सकते हैं। आइए अब हम अगले सिद्धांत को देखते हैं। मैं कुछ उपकरणों का उपयोग करने जा रहा हूं। हमने ये उपकरण कहां देखे हैं? ये क्या है? ये बेस 10 खंड के प्रत्येक घन है। 10 की नीली छड़ें और 100 की एक हरे रंग की प्लेट। हमने इन्हें पहले कहां इस्तेमाल किया है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग
हमने इनका उपयोग मूलभूत कामों के लिए किया है। बच्चे पहले से ही इन वस्तुओं को जानते हैं। हमने अलग अलग मूलभूत कामों में उनका अलग अलग तरह से उपयोग किया है, तो हम उन्हें जानते हैं। क्या आपको याद है हमने इसे गुणा करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया था? आइए जरा याद करते हैं कि हमने बेस 10 खंडों का उपयोग करके 5×5 कैसे किया था। पांच गुणे पांच का मतलब होगा 5 घन वाली पंक्ति और 5 का एक स्तंभ। 3, 4, 5, 5 की एक पंक्ति और 5 का एक स्तंभ। हमने गुणा करते समय क्या किया था? हमने इस आकार को भर दिया था। तो क्या हम यहां भी ऐसा करें? हम इसे कैसे कर सकते हैं? आइए हम इसे भरते हैं। 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25। अब यह आकार पूर्ण है ना? फिर हमने क्या किया था? हमने पहली पंक्ति और पहला खाना हटा दिया। अब यहाँ कितने खंड बचे हुए हैं? अगर हम इसे गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब हमारे पास 25 रह गए हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे क्षेत्रफल कहते हैं। तो एक आकार जिसमें 5 और 5 इकाइयां हैं, उसका एक क्षेत्रफल होता है और जिसे हमने भरा है उसी को क्षेत्रफल कहा जाता है। इस तरह क्षेत्रफल का परिचय कराया जा सकता है। आइए देखते हैं कि हम इसे बड़ी संख्याओं के साथ कैसे कर सकते हैं। एक और उदाहरण, हमारे पास 12 और 13 इकाइयों का एक आकार है। 12 इकाइयां और 13 इकाइयां, 12 इकाइयां और 13 इकाइयां। यदि हम इन इकाइयों को भरते हैं, आइए इसे भरकर एक आकार बनाते हैं। हम इस आयत को अलग अलग उपकरणों से भरेंगे। यदि हम इस आकार को बेस 10 खंड से भरते हैं तो हमें क्षेत्रफल का पता चल जाएगा। हम इसे कैसे भरेंगे? अब हम इसे पहले से ही जानते हैं। 10×10 का क्षेत्रफल को 100 इकाइयों से भरा जा सकता है, यानी कि 100 की एक हरी प्लेट। इसके बाद हम 10 की नीली छड़ें का उपयोग करेंगे। 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10। यहां अभी भी कुछ जगह बची है जिसे हम पीले घन से भरेंगे। अब हम देख सकते हैं कि यह आकार पूरी तरीके से भर गया है। अब 12 इकाइयों और 13 इकाइयों के स्तंभ को हटा लेते हैं। ऐसा करने से हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए इनके गिनती करते हैं। जब हम गिनती करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। 1×100, 5×10, 6×1, इन सभी को जोड़ने पर यानी 156 वर्ग इकाइयां मिल जाती हैं। शिक्षकों को याद रखना होगा, क्षेत्रफल को व्यक्त करते समय बच्चों का वर्ग इकाइयों को जानना जरूरी है। हम क्षेत्रफल को व्यक्त करते समय वर्ग इकाइयों का उपयोग क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस आकार के 2 आयाम हैं। अधिकांश आकारों में एक वर्ग या आयत होता है, इसलिए जब हम क्षेत्रफल का परिचय करा रहे हैं तो हमें उसे वर्ग इकाइयों में करना होगा। यही बच्चों को जानना होगा। अब हमने देखा कि बेस 10 इकाइयों का उपयोग करके क्षेत्रफल कैसे पता लगाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि जियो बोर्ड का उपयोग करके क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। आकार बनाने के लिए जियो बोर्ड का उपयोग किया गया था। वे विभिन्न आकारों से परिचित हैं और वे परिमाप के सिद्धांत को भी जानते हैं।
हमें यहाँ एक आयत दिखाई दे रहा है ना? क्या यह एक आयत है? हमें याद है कि हमने परिमाप को कैसे मापा था। रबर बैंड को छूने वाली पिंस की जो संख्या थी, हमने उसी को परिमाप कहा था। वो हमें याद है ना? अब देखते हैं क्षेत्रफल क्या है। हमने इसे बेस 10 खंड का उपयोग करके देखा था। अब हम जियो बोर्ड पर इसे कैसे देख सकते हैं, आइए देखते हैं। आकार के भीतर के क्षेत्र को क्षेत्रफल कहा जाता है। यह वो क्षेत्र है जिसे हम भर सकते हैं। हमें यह पहले से ही पता है। हम कितनी इकाइयों में इसे भर सकते हैं? जब हम इसे यहाँ देखते हैं, चूंकि पिंच समान दूरी पर हैं, अगर हम इसे एक वर्ग इकाई कहते हैं, मान लेते हैं कि यह पहला वर्ग है, तो इस आकार में एक वर्ग इकाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 12 वर्ग इकाइयां हैं। तो हमें पता चलता है कि जब हम एक आकार के अंदर की जगह को वर्ग इकाइयों से मापते हैं, तो हम उस आकार के क्षेत्रफल का पता लगा सकते हैं। यह आसान है। अब हम समझ चुके हैं कि किसी आकार का परिमाप और क्षेत्रफल का क्या मतलब है। हम यह भी जानते हैं कि परिमाप का पता कैसे लगाना है, ये हमने देखा है। क्या ऐसा करने का कोई आसान तरीका है? परिमाप सभी चार भुजाओं की लंबाई का योग है। इसी को हम परिमाप के रूप में जानते हैं। यहाँ आपके पास क्या है? यहाँ आपके पास एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई। हमारे पास यहाँ चार इकाई हैं और चौड़ाई एक इकाई, दो इकाई और तीन इकाइयाँ हैं। तो इस आकार एक आयत में चार इकाइयों की लंबाई और तीन इकाइयों की चौड़ाई है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, चार इकाई और तीन इकाई, चूंकि इस तरफ भी चार इकाइयां हैं, इस तरफ भी तीन इकाइयां हैं, अगर हम इन सभी इकाइयों को जोड़ते हैं तो हमें कितनी मिलती हैं? तो हमें 14 मिलती हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या परिमाप को पता लगाने का कोई आसान तरीका है। दो गुना लंबाई और दो गुना चौड़ाई को जोड़ना आसान है। ये एक सूत्र है परिमाप को जानने का। इसी तरह यदि यह एक वर्ग है, तो हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई एक समान है। ये हम पहले से ही जानते हैं। यदि हम यहां गणना करते हैं, तो एक इकाई, दो, तीन, एक तरफ हमारे पास तीन इकाइयां हैं, इसलिए शेष तीन बाजुओं की इकाइयां भी तीन होंगी। हम आसान तरीके से परिमाप को कैसे जान सकते हैं? अगर हम चार गुना लंबाई करते हैं, हमें वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। यह आसान है। जब हमें किसी आकार के परिमाप की आवश्यकता होती है, यदि हम वर्गों को गिनना शुरू करते हैं तो काफी समय भी लग सकता है। इसलिए यदि हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं तो हम काफी समय बचा सकते हैं। तो हम किस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं? यदि हम आकार की चौड़ाई और लंबाई को आधार मान लें, चौड़ाई और लंबाई, तो हम परिमाप को कैसे जान सकते हैं? हम ये जानते हैं कि दो भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई समान होती है, इसलिए यदि हम इन्हें जोड़ते हैं, दो गुना लंबाई और दो गुना चौड़ाई, यदि लंबाई L है और चौड़ाई B है, अगर हम 2L और 2B को जोड़ते हैं, तो हम इस आकार के परिमाप का पता लगा सकते हैं। इसी तरह अगर एक वर्ग है, तो हम उसका परिमाप कैसे पता लगा सकते हैं? हम पहले से ही जानते हैं कि एक वर्ग की सभी भुजाएं एक समान होती हैं। यदि हम एक भुजा का माप जानते हैं, तो हम सभी भुजाओं को जानते हैं। यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं, तो हमें उस वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। हमारे पास एक तरफ की लंबाई है और हमें सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ना है, यानी कि 4 गुना L। यदि हम
4 गुणा L सूत्र का उपयोग करते हैं तो हमें वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। इसी तरह क्या हम एक वर्ग का क्षेत्रफल पता लगा सकते हैं? क्षेत्रफल क्या है? आकार के अंदर की जगह। हम इस जगह में कितने वर्ग भर सकते हैं वह क्षेत्रफल कहलाता है। हम क्षेत्रफल का कैसे पता लगाएंगे? लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके। किसी भी दो आयामी आकार में यदि हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं हमें उस आकार का क्षेत्रफल मिल जाता है। यदि हम एक वर्ग के क्षेत्रफल को देखते हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके हम एक आयत के क्षेत्रफल का पता लगा सकते हैं। अगर हम इसे ए कहें और इसे बी तो हमें ए गुणा बी या बी गुणा ए करना चाहिए। इससे हमें एक आयत का क्षेत्रफल मिलता है। हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि हम ए गुणा बी सूत्र के साथ एक आयत के क्षेत्रफल तक पहुंचा जा सकता है। सीआरए पद्धति का उपयोग करते हुए क्षेत्रफल और परिमाप के शिक्षण हेतु निरूपणात्मक चरण का उपयोग। ठोस चरण निरूपण, यानी एक वर्ग पंक्ति वाली नोटबुक। हम एक वर्ग या आयत की तरह किसी और आकार का क्षेत्रफल कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहले मैं एक वर्ग बनाता हूं। हम यहां एक वर्ग देख सकते हैं। इस वर्ग का परिमाप क्या है? यदि हम देखें कि कितनी इकाइयां इस वर्ग का परिमाप बनाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस वर्ग में हमारे पास 16 इकाइयां हैं। आइए अब हम विभिन्न आकारों का परिमाप का पता लगाएं। मेरे पास यहां एक आकार है, इसका परिमाप क्या है आइए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हम क्या जानते हैं? इस आकार का परिमाप 24 इकाई है। आइए हम इस वर्ग के लिए अपने सूत्र का उपयोग करके देखते हैं। एक भुजा की लंबाई 4 इकाई है। हमारा सूत्र क्या है? 4 गुणा L। तो आइए देखते हैं क्या हमें समान उत्तर मिलता है अगर हम सूत्र को इस्तेमाल करें और कोशिश करें। हम जानते हैं एक भुजा की लंबाई 4 इकाई, सूत्र क्या है? 4 गुणा L। तो अगर हम 4 को 4 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है? तो हमें 16 मिलता है। हमें 16 मिलता है। तो हमें अपनी गिनती के समान ही उत्तर मिला। आइए हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। यहां पर हम दो अलग अलग आकारों को देख सकते हैं। आइए हम इन दोनों आकारों का परिमाप का पता लगाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और 10। आइए हम इस आकार को भी देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने यहां क्या देखा? हमें दो आकारों के परिमाप मिले और हमें इनका क्या परिमाप मिला? हमें 10 इकाइयां मिली। अब हम इन्हीं आकारों का क्षेत्रफल भी देखेंगे। हमारे पास कितने वर्ग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ग। तो इस आकार का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? 6 वर्ग इकाइयां। और इस दूसरे आकार में कितनी वर्ग इकाइयां हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इस आकार में क्षेत्रफल की केवल 5 वर्ग इकाइयां हैं। तो हमें क्या पता चला? कि इन दोनों आकारों का परिमाप समान है, लेकिन इन दोनों आकारों का क्षेत्रफल अलग है। इसलिए यदि परिमाप समान हो, फिर भी क्षेत्रफल अलग हो सकता है। इसी तरीके से आइए देखते हैं दूसरे आकार। एक और उदाहरण। हमारे पास यहां दो अलग अलग आकार हैं। आइए देखते हैं कि इन दोनों आकारों का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है। पहले हम परिमाप पर नजर डालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस आकार का परिमाप क्या है? 12। आइए हम दूसरे आकार के परिमाप को भी देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस आकार का परिमाप क्या है? 10 इकाइयां। आइए अब हम इन दोनों आकारों के क्षेत्रफल को देखें। 1 वर्ग, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ग। और इस वाले का क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम इस उदाहरण में क्या देख सकते हैं? यही कि दोनों आकारों का क्षेत्रफल समान है, 6 वर्ग इकाइयां, लेकिन इन आकृतियों का परिमाप अलग अलग है। जब हम बच्चों को क्षेत्रफल और परिमाप सिखाते हैं, तो शिक्षकों को यह याद रखना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, कि हालांकि परिमाप और क्षेत्रफल एक दूसरे से संबंधित हैं, यदि परिमाप अलग है तो क्षेत्रफल अलग हो सकता है, या भले ही क्षेत्रफल समान हो, परिमाप भिन्न हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह सिद्धांत समझ आ जाए। तो हमने यहाँ क्या देखा? हमने एक सूत्र का उपयोग करके परिमाप का पता लगाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नियमित आकार जैसे कि एक वर्ग या आयत, हम केवल ऐसे आकारों के लिए ही सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। अनियमित आकारों का परिमाप अभी तक बताए गए सूत्र का प्रयोग करके नहीं ढूंढा जा सकता, और अनियमित आकारों का क्षेत्रफल भी सूत्र का प्रयोग करके पता लगाना मुश्किल है। ये उन्हें याद रखने की जरूरत है। क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में विस्तार से सीखने के लिए 10 ग्राम का उपयोग। आइए अब देखते हैं कि 10 ग्राम का उपयोग करके क्षेत्रफल और परिमाप के सिद्धांत को कैसे सिखा सकते हैं। हमने 7 अलग अलग टुकड़ों का उपयोग करके एक वर्ग बनाया है, यानी कि इस आकार का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के समान होगा। बच्चे इन आकारों का उपयोग करके विभिन्न आकृतियां बना सकते हैं। अपनी रचनात्मकता के साथ वे इस 10 ग्राम का उपयोग करके कोई भी आकार बना सकते हैं। यहां वर्ग से हमें एक और आकार दिखाई देता है।
हम छात्रों को क्या बता सकते हैं? वे अपनी सोच के अनुसार तरह तरह के आकार बना सकते हैं। इन सभी आकारों में परिमाप भिन्न हो सकता है, लेकिन उन सभी आकारों का क्षेत्रफल हमेशा समान होगा, क्योंकि इन 7 टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक वर्ग बनता है। तो सभी आकारों का क्षेत्रफल का योगफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, परिमाप भिन्न हो सकता है, लेकिन क्षेत्रफल समान रहेगा। अब तक एक जियो बोर्ड वर्ग रेखा वाली पुस्तक और बेस 10 खंड का उपयोग करके हमने देखा कि एक वर्ग और आयत के क्षेत्रफल और परिमाप को कैसे मापें। रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्षेत्रफल और परिमाप का उपयोग क्यों और कहां करते हैं, आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पिता के पास एक आयताकार क्षेत्र है। चालीस मीटर है और लंबाई 30 मीटर है। मेरे पिता इस आयताकार क्षेत्रफल के चारों ओर एक बाड़ बनाना चाहते हैं, यानी कि चारों भुजाओं पर बाड़ लगाना पड़ेगा। मेरे पिता इस आयताकार क्षेत्रफल के चारों ओर एक बाड़ बनाना चाहते हैं। क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए क्या हमें क्षेत्रफल आवश्यकता है या परिमाप की? हाँ, अगर हम परिमाप को जानते हैं तो हम मैदान के चारों ओर बाड़ लगा सकते हैं, लेकिन हम परिमाप को कैसे खोजेंगे? अब हम परिमाप को खोजने का एक सूत्र जानते हैं, और सूत्र क्या है? 2L जोड़ 2B, यानी कि 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। हम पहले से ही इस सूत्र को जानते हैं। यहां लंबाई क्या है? 40 मीटर। चौड़ाई क्या है? 30 मीटर। हम दोनों को जोड़ते हैं और 2 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है? तो हमें 140 मीटर मिलता है। यह 140 मीटर क्या है? यह हमारे क्षेत्र का परिमाप है। अब हम जानते हैं कि परिमाप 140 मीटर है। क्षेत्र के किनारों पर बाड़ लगाने के लिए मुझे 140 मीटर की बाड़ की आवश्यकता है। तो अगर मुझे बाड़ के 4 कतारों की आवश्यकता है तो मुझे कितना तार चाहिए, जो कि 4 × 140 होता है? जो कि 560 मीटर है। इसलिए अगर मुझे बाड़ की 4 कतारें लगानी है तो मुझे 560 मीटर तार की आवश्यकता है। इस तरह हम परिमाप निकाल सकते हैं। इसी तरह परिमाप हमारे लिए उपयोगी होता है। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। मेरे कमरे की एक दीवार पर पुताई की जरूरत है। पेंट के डब्बे पर एक वर्ग मीटर के लिए 100 मिलीमीटर लिखा हुआ है। पुताई करने वाली दीवार पर एक खिड़की भी है। मुझे सिर्फ इस दीवार को रंगना है और उसे रंगने के लिए पेंट खरीदना है। मुझे इस दीवार के लिए पेंट खरीदने से पहले क्या पता होना चाहिए? मुझे इस दीवार को पेंट करना है। मुझे इस दीवार पर रंगने के लिए पेंट खरीदना होगा। मुझे इस दीवार के लिए पेंट खरीदने से पहले क्या पता होना चाहिए? क्या मुझे दीवार के परिमाप को जानना जरूरी है या दीवार के क्षेत्रफल को? यदि मैं क्षेत्रफल का पता लगा सकता हूं तो मुझे जरूरत के रंग की मात्रा पता चल सकती है। क्षेत्रफल को पता लगाने का सूत्र क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और इस दीवार की लंबाई कितनी है? जब मैंने इसे मापा तो लंबाई 5 मीटर थी और दीवार की चौड़ाई 4 मीटर थी। तो दीवार का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 5 × 4 बराबर 20 वर्ग मीटर। चूंकि उस दीवार पर बीच में एक खिड़की है, मैं पूरी दीवार पेंट नहीं करूंगा। यदि मैं इस खिड़की की लंबाई और चौड़ाई को मापता हूं
तो मुझे खिड़की का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और यदि मैं इसे दीवार के क्षेत्रफल से घटाता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे केवल दीवार रंगने के लिए कितना पेंट चाहिए, लंबाई कितनी है। यह 1 मीटर है और चौड़ाई भी 1 मीटर है। आइए अब हम खिड़की के क्षेत्रफल को मापते हैं। हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, 1 × 1 यानी 1 वर्ग मीटर। तो खिड़की का क्षेत्रफल क्या है? 1 वर्ग मीटर। जब मैं दीवार के क्षेत्रफल से खिड़की के क्षेत्रफल को घटाता हूं तो मुझे पेंट की मात्रा का पता चल जाएगा जो मुझे चाहिए। तो 20 वर्ग मीटर से 1 वर्ग मीटर को घटाया तो हमें मिलता है 19 वर्ग मीटर। तो दीवार का कुल क्षेत्रफल क्या है? रंगने योग्य क्षेत्रफल कितना है? 19 वर्ग मीटर के लिए पेंट। रंगने योग्य क्षेत्रफल कितना है? इस अवस्था में 19 मीटर होगा, इसलिए 19 वर्ग मीटर। 19 वर्ग मीटर के लिए पेंट। हम जानते हैं कि 100 मिलीलीटर पेंट से हम 1 वर्ग मीटर पेंट कर सकते हैं। हमें 19 वर्ग मीटर को रंगना है तो हमें कितने मिलीलीटर पेंट की आवश्यकता है? 19 वर्ग मीटर गुणा 100 मिलीलीटर हमें 1900 मिलीलीटर पेंट मिलता है। तो दीवार को रंगने के लिए हमें 1900 मिलीलीटर पेंट की आवश्यकता है। अगर हम इसे लीटर में बदल दें तो क्या होगा? 1900 मिलीलीटर बराबर 1.9 लीटर। इसलिए हमें इस दीवार को रंगने के लिए 1.9 लीटर पेंट की आवश्यकता है। हम यहां देख सकते हैं, यदि हम यहां 1 वर्ग मीटर वर्ग लेते हैं तो हमें 100 मिलीलीटर पेंट की जरूरत होती है। इस दीवार में ऐसे 20 वर्ग हैं, तो पूरा क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है। अगर मैं खिड़की का 1 वर्ग मीटर हटा दूं तो क्या बचता है? 19 वर्ग मीटर। ये वो क्षेत्र है पेंट करने वाला। उतने क्षेत्र को पेंट करने के लिए मुझे 1900 मिलीलीटर की आवश्यकता है, यानी कि 1.9 लीटर पेंट। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उनको माप की विभिन्न इकाइयों से अवगत कराना चाहिए। विशिष्ट मापने की इकाइयां हैं जिनको उपयोग करके लंबाई और चौड़ाई माप सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच। हम इसका उपयोग परिमाप पता लगाने के लिए कर सकते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप के सिद्धांतों को पढ़ाते समय शिक्षकों और छात्रों के बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। सबसे आम गलतफहमी है कि क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए बच्चों को लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना होगा और परिमाप ढूंढने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। बच्चे इसका उल्टा भी कर सकते हैं, परिमाप के लिए गुणा और क्षेत्रफल को ढूंढने के लिए जोड़ सकते हैं। इसलिए यह सबसे आम गलती है। दूसरी बात, जब वे क्षेत्रफल लिखते हैं तो उन्हें सही संख्या भी मिल जाती है, पर अंत में वे इस वर्ग इकाइयों को व्यक्त करना भूल जाते हैं। वे सिर्फ इकाइयां लिख देते हैं। यह गलत है। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में व्यक्त किया जाना चाहिए। उनको वर्ग इकाइयों में ही लिखना चाहिए। यही मानक है, सिर्फ यही स्वीकार है। इन गलतियों को करने से हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? उन्हें वर्ग पंक्ति पुस्तक की उपयोग करने की और उदाहरणों के साथ अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से गलतियां कम हो जाएंगी। सिर्फ प्रयास करके ही वे गलतियों को कम कर सकते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप के सिद्धांत बच्चों के जीवन में अत्यधिक महत्व रखते हैं। भविष्य में
इन्हें इन सिद्धांतों का उपयोग कई अवसरों में करना होगा। इसलिए इन सिद्धांतों को छात्रों के जीवन में बैठाना काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि यह एक कौशल आधारित सिद्धांत है, इसलिए बच्चे अपने क्षेत्रफल और परिमाप के ज्ञान के आधार पर कई अवसर चुन सकते हैं। इसलिए इन सिद्धांतों को ठोस बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को इन सिद्धांतों को सिखाते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।